झारखंड में आखिर परिणाम उन तमाम आशंकाओं और राजनीतिक दुश्चिंताओं के विपरीत रहे जिनमें एक तरफ ये कहा जा रहा था कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपनी सत्ता गंवा देंगे, कहा यह भी जा रहा था कि इस पूरे दौर में जबकि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को चुनाव आयोग ने अयोग्य घोषित कर दिया है तो उनकी कुर्सी खतरे में पड़ सकती है, और ऐसे में साफ तौर पे यह आरोप लगाए जा रहे थे कि एक बहुत बड़ी पार्टी सोरेन सरकार को अस्थिर करने के लिए उनके विधायकों की खरीद फरोख कर सकती है, और इस स्थिति से बचने के लिए सारे विधायक रायपुर ले जाए गए थे जिनको बाद में वापस झारखंड ले जाया गया, और आज राज्य की विधानसभा में विश्वास मत पर मतदान हुआ जिसमें सोरेन सरकार के पक्ष में 48 वोट पड़े। और दिलचस्प बात ये रही कि बीजेपी ने इस पूरी प्रक्रिया का बायकॉट किया एक तरह से और सदन से वो बहिर्गमन कर गए। अब देखने वाली बात यह है कि राज्य में कानून व्यवस्था की गंभीर चिंताओं से दो चार हो रहे राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कानून और व्यवस्था को लेकर जो लगातार इमेज खराब हो रही है सरकार की, उससे बचने के लिए या उस स्थिति से उबरने के लिए आगे क्या कर पाते हैं।